ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया राजा राम मोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई ली, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का यह अपराधी नेता करीब करीब दो महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है।